الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن ومن اتبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر वल्लिदा यशरी कसम कासमी हजर मोहतरम हजरात भाई और बहनों हमने सूरत जिल्हिज की सूरतुल्फर की इब्तदाई चंद आयात की तिलावत की है जिल्हिज के अशरे के पर इबदाई पहले अशरे की जिसको अशरय दिलहिज कहते हैं उस पर गुफ्तु हो रही थी इससे पहले अहादीस की रोशनी में उनकी फजीलत और उनमें नेक आमाल करने का के मकाम और मरतबे का अजो सबाब का तस्करा किया मैंने आप हजरात ने सुना आज हमने जो आजाद पढ़ी हैं इसलिए हमने पढ़ी हैं कि अल्लाह आलमीन ने इन अय्याम का अशले जिलहिज का कुरान में भी तस्करा किया है ये बड़े फजीलत वाले हैं अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई है अल्लाह आलमीन जिसकी चीज़ की कसम खाते हैं उसके मकाम और मरतबे को बढ़ा, बढ़ा देते हैं बढ़ जाता है

वलवी वी ये पांच चीजों की कसम खाई है अल्लाह नंबर एक फजरे की वल फजरे कसम है फज्र की, की। नंबर दो वलयालिन अशरी और कसम है दस रातों की नंबर तीन व शफ कसम है शफा की नंबर चार वल्लवरी कसम है ताक की वितर की नंबर पांच वल्ला यश्री कसम है रात की पांच चीजों की अल्लाह तारा ने कसम खाई और कहा जाता है इनमें से अक्सर चीजों का ताल्लुक अशरे दिल्ह से है मसरन अल्लाह रबुल्ला ने पहली कसम खाई वल फजरी कसम है फज्र की अक्सर उलमा और बाज अहादी से मरफूब भी इस पर दाल हैं दलालत करते हैं और अहले इल्म नकल करते हैं कि यहां फज्र से मुराद जिलहिज के दस तारीख की फज्र मुराद है जिसको कहते हैं यौमन्नाहर यौमन्नाहर पहली तारीख से शुरू हुआ ईद के दिन अशरा खत्म होता है तो अल्लाह रब्बुल रबालमी ने ईद उलहा का दिन जिसको यौम नहर कहा जाता है कसम खाई, कसम है वल फजर, फज्र कसम है फज्र की सुबह ईद उल अजहा की सुबह और फज्र की कसम खाई क्यों सुबह होते ही सारे हुज्जाज जा रमी जमरात के लिए तवाफ इफादा के लिए जानवर जबा करने के लिए चारों तरफ से रब की ये सारी इबादत जरा सोचो रब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं रब के लिए जमरात को पत्थर मार रहे हैं रब की रेदा के लिए सर के बाल उतार रहे हैं रब की रेदा के लिए रब के घर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं सुबह होते ही ये सारे काम शुरू हो जाते हैं और जो लोग हज में नहीं गए हुए हैं गैर हुज्जाज हैं दुनिया में कहीं भी रहते सुबह हुई सबसे पहले अल्लाह तारा का शुक्र अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं चहल पहल वजीर अपनी वजारत बादशाह अपनी बादशाहत ताजिर सेठ अपने तजारत और आम लोग भी हर इंसान अपनी सारी मशगोलियात को तरक करके रब की रिदा के लिए ईदगाह जाता है जाकर के दो रकात तकबीर कहता हुआ जाता है ईद की नमाज पढ़ता है खुदबा सुनता है दुआएं करता है फिर फारिग होने के बाद फौरन रब के लिए कुर्बानी जवा करता कुर्बानी करता है तो बड़ा मुकद्दस दिन है जिलहिच का दस्तारी रब ने कसम खाई वल फजरी कसम है की दसवीं तारीख यानी नौ मुंडहरे की सुबह की नंबर दो नंबर तीन व शफाई कसम है शफा की शफ़ा कहते हैं जोड़े जो अदर जोड़े जोड़े तकसीम हो जाए उसको शफा कहा जाता है कसम है उस दिन की जो शफा है लाह अकबर कसम है उस दिन की जो शफा है ले इल्म कहते हैं यहां वलयाल इन अशर हाँ पहली कसम है फज्र की दूसरी है वलयाल इन अशर कसम है दस रातों की अहादेश आसार सहाबा और अक्सर अहले इल्म का ख्याल ये है कि दस रातों से मुराद यहां इस दिलहिज के इब्तई दस दिन है पूरे अशरे की फजीलत अल्लाह ताला ने बयान कर दी वलयालिन अशरे वलयालिन अशरे दस दिनों की रात से मुराद पूरे दस दिन है, वलयालिन अशरे दस रातों की यह दूसरी की देखें पूरे अशरे ज़िलहिज के अल्लाह ताला ने कसम खाई कसम खाई इस अशरे की इज्जत अफसाई के लिए फजीलत बयान करने के लिए नंबर तीन व शफाई कसम है शफा की कहा जाता है यहां शफा से मुराद वो दिन जो शफा है शफा यानी जो तकसीम हो जाए बराबर बराबर कहते हैं यहां शफा से मुराद यौम नहर है दसवीं जिले इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अशरे जिलहिज जिस दिन खत्म होता है उसकी दो मरतबा कसम एक सुबह की कसम खाई और दूसरी पूरी दिन की कसम खाई वल फजरी कसम है अशरे जिलहिज के ए, 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 यो मुन्ना के सुबह की वलयालिन अशरे और कसम है दस दिनों की दस रात यानी दस दिनों की नंबर तीन व शफाई कसम है शफा की जोड़े वाले दिन की यानी यौम नहर दस दिन पांच पांच तकसीम हो जाते हैं बराबर नंबर चार वलवत्री कसम है वत्र की ताक की जिसके मुतालिक अक्सर अहले इल्म आसार बाद हादिस उनसे पता चलता है कि यहां ताक से ताक अदद वाले दिन से मुराद योम अरफा है देखें पूरे दिन का की फदीलत वल फजरी वलयाशरी व शफ वल वी वल और रात की जब चल जाए अल्लाहब आलमीन ने पूरे अशरे जिलहिज की कसम खाई यौम अरफा की फजीलत बयान की और यौम नहर की फजीलत बयान की यह कुरान से साबित है इसी तरीके से एक मकाम और है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दिनों में से अशरे जिलहिज के बाद दिनों की कसम खाई है रब्बुल आलमी ने फरमाया बिशमिल्लाहमानी वसम इजा तिल قتل विलहूत अबूत अल्लाह रबुल आलमी ने सूर बुरुज के इब्तदाई तीन आयतों में तीन मरतबा कसम खाई वस्समा इजा तिल बरूज चार चीजों की कसम खाई व समा जाति बुरुज व यौमिल मऊत व शाहिदी व मशहूत शाहिद और मशहूत की चार कसम नंबर एक जातुल बुरुज आसमान की नंबर दो व यौमिल मऊद की यौम मऊद की नंबर तीन यौम शाहिद की नंबर चार योम मशहूद की चार कसमें खाई है। पहली कसम व समा इदा बुरुज कसम है बुरुज वाले आसमानों की आसमान की वो मिल मऊत कसम है यौमे मौत की यौमे मऊद योम मऊद कहा जाता है क्यामत का एक नाम है योमुलमाऊद आसमान की कसम फिर रब्बुल आलमी ने आसमान की कसम के साथ साथ अल्लाह तला ने कसम खाई क्यामत की व शाहिद और कसम है योम शाहिद की योम शाहिद अल्लाह रब्बुल आदमी कसम खाई कहते हैं अल्लाह रसुल ने फरमाया यौम शाहिद से मुराद योम जुमा है जुमे के दिन की कसम खाई तीन हो गए वह मशहूद और यो कसम है मशहूद की यौम मशहूत यौनी योम अरफा ये यौम अरफा की कसम खाई तो इस तरीके से कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में इस अशरे का तस्करा और इस अशरे की फजीलत अल्लाह के रसुलसलम ने बयान किया है जब अल्लाह ताला ने किसी चीज की कसम खाई तो कसम खाने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला उस चीज की फजीलत बयान करें अल्लाह अल्लाहबालमीन जब भी किसी चीज की कसम खा जब कोई इंसान कसम खाता है तो किसी बड़ी चीज की महबूब चीज की कसम खाता अल्लाह से बड़ी कोई चीज इंसान अल्लाह की कसम खाता है लेकिन अल्लाह जब कसम खाएंगे तो अल्लाह किसी न किसी मखलूक की कसम खाता है और जब अल्लाह ताला किसी मखलूक की कसम खाते हैं तो उस मखलूक की इज्जत बढ़ाने के लिए जैसे वसमा इदा बुरुज अब बहुत सारी इदस्मस व वल्ली व नहारी दाता वरा वाल व तीन वोहामरी दाता इस तरह से अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक की कसम खाई और अल्लाह जब किसी मखलूक की कसम खाता है तो उसके मकाम और उसके मरतबे को बढ़ाने के लिए अशरे सिलहिच की योम अरफा की यम नहर की अल्लाउम नहर की पूरे अशरे की अल्लाह ने कसम खाई मकसद है, है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह का मकसद है इन मखलूक की कसम खा करके बंदों के सामने इनके फजीलत को उजागर करना और इनके फजीलत को बढ़ाना इन इन दिनों के इन चीजों की इन चीजों की इज्जत मकाम मरतबा फजीलत दर्जा अल्लाह इनके बढ़ाने के लिए इन चीजों की कसम खाते हैं तो इस तरह से हमारे सामने जो अयाम असले जिलहिज के हैं किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से इनकी अजमत इनकी फजीलत इनका इनका अजर शवाब इनका मकाम व मरतबा किताबुल्लाह सुन्नत रसूल आसार सहाबा सलफ से बहुत ज्यादा साबित है हमारा और आपका काम है इन अशरों से इन दिनों से फायदा उठाना अल्लाह आलमीन हम सबको इन अशरे इन अय्याम के अंदर ज्यादा ज्यादा नेक आमाल करने और अजो सवाब हासिल करने के तोफिक नसीब से फरमाए बाकी इनशाला अगले हल्के में अकोल को हादा व अस्खरबी तो